गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम लोग मैप चैप्टर के पार्ट टू को आगे करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप के जो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि एक मैप बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो देयर आर थ्री थिंग्स। वन इज डिस्टेंस, सेकेंड वन इज डायरेक्शन, एंड थर्ड वन इज सिम्बल्स। ये तीनों इसके एसेंशियल पार्ट होते हैं। आपको फिर जो पहली वीडियो हमने भेजी थी उसमें डिस्टेंस के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताया था, और वो आपने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि देयर आर फोर बेसिक डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नाउ हम इसको आगे करते हैं। अब आता है फर्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस आपके लिए थोड़ा नया होगा और इसको एक दिन मैं लाइव क्लास में दोबारा से आपको बताएंगे हम। क्या होता है जब हम पूरे वर्ल्ड को मैप में कन्वर्ट करते हैं, तो आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा वर्ल्ड है, और आप उसको अपने मोबाइल स्क्रीन जितना छोटा मैप में भी ले आए हैं। तो इतने बड़े वर्ल्ड को, इतनी बड़ी अर्थ को जब हम मैप के फॉर्म में लाते हैं तो हमको उसे छोटा बनाना पड़ता है। तो उसको जब हम छोटा बना रहे होते हैं तो हम अपने मन से कैसा भी नहीं बना सकते, उसके लिए हमें एक जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। वी हैव टू फॉलो वन रेशियो। वो रेशियो का मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि रियलिटी में दो जो प्लेस हैं वो एक दूसरे से कितने दूर हैं। सपोज़ कि देयर आर टू प्लेसेस विच आर 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दो प्लेस हैं जो कि आपका घर और आपका स्कूल मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर है। अब हम उस, क्या कैन यू ड्रॉ 5 किलोमीटर लाइन इन योर कॉपी? नो, आप अपने बुक में 5 किलोमीटर लंबी लाइंस तो नहीं बना सकते ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने बनाया ये ए इज माई होम, आपने ये लाइन बना दी, आपने कहा बी इज माई स्कूल, तो ये ए और बी आपने लाइन नॉर्मल बना दी। लेकिन तब ये मैप नहीं है। मैप कब बनेगा? जब आप स्केल डिसाइड करेंगे। स्केल एक तो नॉर्मल जिसको आप अपने मैथ्स में यूज़ करते होंगे लाइन खींचने के लिए, आप देखते हैं कि वो 15 सेंटीमीटर या 1 फीट का स्केल होता है, उसे भी बच्चे स्केल बोलते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में स्केल का मतलब क्या है? व्हेन वी डिसाइड रेशियो, यानी कि हाउ मैनी, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड एंड सेम टू पॉइंट्स ऑन द मैप, दैट इज कॉल्ड स्केल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केल। स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दिखा दिया, तो ये स्केल है। स्केल क्या बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ये हमारा स्केल बन जाएगा। इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हम आपको देंगे और इसका एक वीडियो मैं और भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आप ये समझिए कि सपोज़ आप रहते हैं सेक्रेटरीट के पास और आपको जाना है नाहरलगन, तो नाहरलगन आपका 20 किलोमीटर लगभग है। तो 20 किलोमीटर आपको जब मैप में देखना है तो वी कांट ड्रॉ लाइन ऑफ 20 किलोमीटर, हम 20 किलोमीटर की रोड तो नहीं बना सकते ना। तो हमारे को अपने दिमाग में एक सेटिंग सोचना होगा कि हम कितने सेंटीमीटर को कितना किलोमीटर माने। हमारा वो जो हम रेशियो डिसाइड करते हैं उसका कोई डेफिनेट रूल नहीं होता, वो हमको अपने एक्सपीरियंस से देखना पड़ता है कि हमारा मैप बहुत छोटा भी ना बन जाए, हमारा मैप बहुत बड़ा भी ना बन जाए। इसी में आपको एक टाइप ऑफ मैप में अभी हम देखेंगे, स्मॉल एंड लार्ज स्केल मैप। जब हमें पूरे वर्ल्ड का मैप बनाना है या पूरे इंडिया का मैप बनाना है, उस समय हमें स्केल कुछ अलग डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें केवल ईटानगर का मैप बनाना है तो हमारा स्केल कुछ और होगा। तो हमें स्केल डिटर्मिन करने के लिए हमें दो प्लेसेस का एक्चुअल डिस्टेंस पता होना चाहिए, और फिर हमारे कैलकुलेशंस शार्प होने चाहिए, और हमारा विज़न क्लियर होना चाहिए कि हम उन दोनों प्लेसेस को मैप में कितना दूरी से दिखा सकते हैं।
तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स, स्मॉल स्केल मैप एंड द लार्ज स्केल मैप. देखो पहला वाला भी हमने क्लासिफिकेशन जो देखा था वो था पॉलिटिकल, थेमेटिक एंड फिजिकल मैप्स. वो तो किस बेसिस पे था? ऑन द बेसिस वी आर शोइंग थिंग्स ऑन द मैप. लेकिन स्केल के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स, स्मॉल स्केल एंड द लार्ज स्केल मैप्स. ओके, इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज स्मॉल स्केल मैप? स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है बेटे, जब हम हमें बहुत बड़े एरिया का मैप बनाना होता है, जब एरिया बहुत लार्ज होता है और उसको हम पेपर में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हमको जो ये हमारा रेशियो होता है ये लार्ज डिसाइड करना पड़ता है. ठीक है, लाइक हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सपोज 500 किलोमीटर, तो हमको पूरे वर्ल्ड का बनाना है तो हम उस समय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो भी हमारा मैप बहुत बड़ा बन जाएगा. तो हमको वी हैव टू सी कि हमारा जो स्टडी एरिया है वो कितना बड़ा है. व्हेन द एरिया इज लार्ज देन वी यूज दिस स्केल, दिस इज कॉल्ड द स्मॉल स्केल मैप. हमेशा इसको याद करने का एक टिप है कि अगर स्मॉल स्केल मैप है तो इसका मतलब उसमें लार्ज एरिया शो हो रहा होगा, ऑपोजिट जाएगा. ठीक है, लार्ज एरिया जाएगा तो जो ये रेशियो है ये गैप अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा. और सेम टाइम आप देखो अगर कि अगर हमारा एरिया छोटा है, हमारा एरिया छोटा है, स्मॉल है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें ज़्यादा डिटेल्स दे सकते हैं. उस समय हम सपोज़ कि हम उस समय इसको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर भी रख सकते हैं. ठीक है, और जो तो लार्ज एरिया जो है वो किसको दिखा रहा है, वो स्मॉल एरिया को दिखाता है, और उसमें जो डिटेल्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, ज़्यादा चीज़ें हम उसमें दिखा सकते हैं. आप पूरे वर्ल्ड में ये नहीं दिखा सकते कि एक गार्डन कहाँ पे है, फिर आप ये नहीं दिखा सकते कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, आप ये नहीं दिखा सकते हॉस्पिटल कहाँ पे है. वर्ल्ड के मैप में इतनी डिटेल्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने केवल ईटानगर का मैप बनाना है तो आप ये सारी बारीकियाँ भी, डिटेल्स भी उसमें दिखा सकते हैं. इसलिए हम इसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500, इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल. दूसरा भी कुछ ऐसा हम स्केल डिटरमिन कर सकते हैं. ओके, डायरेक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, तो पहला टॉपिक हमने डिस्टेंस देखा. डिस्टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था? स्केल. दूसरा है डायरेक्शन, इसको हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं इसलिए अभी हम बहुत डिटेल नहीं करेंगे. डायरेक्शन में आप देखिए कि डायरेक्शन में देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इसके बाद ये बीच की डायरेक्शंस भी होती हैं. इतना डिटेल आपको नहीं बताया जाता है क्लास 6 में, लेकिन फिर भी आप बस केवल इतना तक समझिए. मैप में जो नॉर्थ होता है वो अप ऊपर दिखाया जाता है, साउथ नीचे, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट. लेकिन ग्राउंड में जब आपको डायरेक्शन देखना है तो तब आप ऐसे नहीं करेंगे, तब आप सन राइजिंग से आप दिखा सकते हैं, वो आपको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नॉर्थ और ईस्ट के बीच पे जो ये डायरेक्शन होती है इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यहाँ पे हम इसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, इधर हम इसे साउथ वेस्ट कहेंगे, और इधर हम इसको साउथ ईस्ट कहेंगे. तो दीज आर द डायरेक्शन. जब भी आपको मैप आगे से कभी भी क्लास में बताया जाता है, समझाया जाता है, आपको किसी प्लेस की लोकेशन बतानी होती है, तो आप ऐसे मत बोलिए मैडम इधर, मैडम इधर, या मैडम ऊपर है या नीचे है. आपको क्या बताना है? आपको डायरेक्शंस बताना है कि इट इज़ इन द नॉर्थ, इट इज़ इन द साउथ ईस्ट, जो भी डायरेक्शन है उसके हिसाब से आपको बताना होगा. नाउ मैप का जो 3rd इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है दैट इज सिम्बल. ये जो सिम्बल है ये लार्ज स्केल मैप्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्मॉल स्केल में भी होते हैं. तो सिम्बल्स क्या होते हैं कि जब हमें मैप में कोई चीज़ दिखानी होती है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सिम्बल, एक साइन डिसाइड कर दिया गया है, और नॉर्मली उन्हीं साइंस को यूज़ किया जाता है. ठीक है, जैसे कि हमको अगर रेलवे लाइन दिखानी है तो आप देखो ये यहाँ पे ये आपको रेलवे लाइन के सिंबल्स दिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जैसे रेलवे लाइन है. सेटलमेंट है तो उसके लिए आपको अलग बना दिया गया है.
ये आपके बुक में एक पूरा सा पूरा एक टेबल जैसी बनी है, वो आप याद कर लीजिएगा, उसको बना के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ये देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाने के लिए हमें क्या करना है, वन लाइन एंड डॉट, वन लाइन एंड डॉट। ये जो है थोड़ी थिक होती है, और जब हम स्टेट की बाउंड्री दिखाते हैं तो भी ऐसा ही है, लेकिन उसकी थिन वो थोड़ी पतली हो जाती है। तो ऐसे ही हम रिवर दिखाते हैं तो इस तरह से ब्लू कलर, कलर भी इनके लिए दिए गए हैं। तो कलर्स मेथड्स एंड सिंबल मेथड्स ये दो होते हैं, शेप्स, कलर्स, लेटर्स, पिक्चर्स, दीज आर यूज टू शो सम फीचर्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, ट्रीज, रेलवे लाइन। और इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल का मतलब होता है ऐसे सिंबल्स जिनको काफ़ी हम पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। और ये यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल का मतलब हर कंट्रीज़ में ही ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम किसी दूसरी जगह जाके मैप देखें तो हमको परेशानी नहीं होगी, अगर हम सिंबल पहचानना जानते हैं और मैप में कोई सिंबल बना है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ होगी। ओके, अब हमको दो चीज़ें और देखनी है, स्केच एंड प्लान। स्केच इज रफ ड्राइंग ड्रॉन विदाउट स्केल कॉल्ड अ स्केच। जैसे आपको याद है, आपको मैं अभी एग्जाम में कहा था कि आपको मैप फिलिंग है, और कुछ बच्चों ने कहा हमारे पास मैडम मैप नहीं है, तो हमने आपसे कहा कि बना लो। अब मान लीजिए ये मैंने, आप देखो यहाँ पे मैं एक ऐसे ही मैप बना रही हूँ, मैंने कहा ये इंडिया का मैप है, तो एक्चुअली ये मैप नहीं है, ये स्केच है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी स्केल डिटरमिन नहीं किया, मैंने ऐसे ही फ्री हैंड बना लिया, ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड स्केच। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अपने स्कूल का आपको एक मैप बनाना है, या आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाना है, और आप अपने आइडिया से ऐसे कुछ बना दें और कहें कि ये है, इसमें कुछ डिटरमिन नहीं किया गया कितना किलोमीटर को कितना सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है, डायरेक्शन का भी हमने ध्यान नहीं रखा, तो ये स्केच होता है। स्केच का मतलब क्या है, फिर से समझ लीजिए, स्केच इज अ रफ ड्राइंग ड्रॉन विदाउट स्केल इज कॉल्ड स्केच, ठीक है। और व्हाट इज़ अ प्लान, प्लान क्या होता है, नॉर्मली जब कभी घर बनते हैं, मकान बनते हैं, तो उस समय भी हम ड्राइंग बनाते हैं, और वो जो ड्राइंग होती है उसमें स्केल यूज़ किया जाता है। लेकिन देन व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप, प्लान जो होता है वो बहुत ही छोटे एरिया का होता है, जैसे एक घर का, जैसे आप अपने स्कूल का, तो छोटे एरिया में बहुत डिटेल्स बताई जाती हैं, बट यस वी यूज़ स्केल इन दैट। जब आई डोंट नो, मान लो कि आप में से किसी का अपना घर बन रहा है और आपके पापा वो प्लान आपको दिखाते हैं, नॉर्मल बोलचाल में हम उसे मैप भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली दैट इज़ नॉट मैप, दैट इज़ प्लान। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किचन बनेगा, ये लिविंग रूम होगा, ये बेडरूम होगा, यहाँ पे स्टोर है, दिस इज़ स्टडी रूम, और आप देखोगे कि साइड साइड में उसमें लिखा भी होता है कि स्टडी रूम है, तो उसमें ये इतना फीट इतना फीट, उसमें स्केल बना होता है कितना बड़ा रूम है। तो ये तीन टर्म्स आपको समझ लेने हैं, मैप क्या होता है, स्केच क्या होता है, और प्लान। नॉर्मल बोलचाल में कई बार हम फ्री हैंड मैप को, फ्री हैंड हम स्केच बना रहे होते हैं इंडिया का, और हम कह देते हैं मैप है, तो नॉर्मल बोलचाल में तो वो ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से वो एक गलत स्टेटमेंट होता है। मैप में जब तक तीनों में से कोई भी चीज़ मिसिंग है वो मैप नहीं होती, हमें डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है, हमको स्केल भी उसमें होना चाहिए, और उसमें कन्वेंशनल सिंबल्स भी यूज़ होने चाहिए। आप अपने मन से कुछ सिंबल बना के डाल दें तो वो भी नहीं, उसका एक लिस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी की बुक में भी आपको वो लिस्ट दी गई है। तो दिस इज़ अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट मैप्स, बाकी लाइव क्लास में हम लोग आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।